आपका क्वेश्चन है, द इन्वेस्टमेंट इन 10 करोड़ ऑफ रुपीस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इन डिफरेंट सेक्टर्स आर गिवन बिलो। तो देखो आपको कैसे दिया है, सेक्टर्स और यहां पर है इन्वेस्टमेंट, यहां दिया है सीजी सिक्योरिटीज, दैट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फिर स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज गारंटेड बाय गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर्स, सोशली ओरिएंटेड सेक्टर्स दैट इज प्लान, फिर है सोशली ओरिएंटेड सेक्टर दैट इज नॉट प्लान। ठीक है ना, तो यहां पर इन्वेस्टमेंट दिया है डिफरेंट डिफरेंट का। अब आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट बाय बार ग्राफ, बार ग्राफ के हिसाब से आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स एंड वाई एक्सिस बनाएंगे। तो दिस इज योर वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, एक्स एंड वाई, और यहां पर आपने लिख दिया 0। ठीक है ना, अब एक्स एक्सिस के अंदर आप बनाएंगे सेक्टर्स। तो फर्स्ट इज योर सीजी सिक्योरिटीज, तो फर्स्ट इज योर सीजी, सेकंड क्या है देखो एसजी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो वी विल राइट एसजी, आपके पास जगह है तो पूरा लिख सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट इज सिक्योरिटी गार्ड बाय गवर्नमेंट, तो सिक्योरिटी गार्ड बाय गवर्नमेंट, तो वी विल राइट सिक्योरिटी गार्ड बाय गवर्नमेंट, GOVT। ठीक है ना, नेक्स्ट इज प्राइवेट सेक्टर्स, PS, PS प्राइवेट सेक्टर, नेक्स्ट कम्स योर सोशल ओरिएंटेड प्लान, तो SOP, तो हम लोग यहां पर लिख देंगे सोशल ओरिएंटेड और ब्रैकेट में पी। नेक्स्ट इज सोशल ओरिएंटेड नॉट प्लान, NP। ठीक है ना, यहां पर देखो आपका क्या है, 11, 46, 18, 23, 11 एंड 45। ठीक है, तो जस्ट वी विल गो फॉर 5 के हिसाब से। ठीक है, 5, 10, 15, 20 लाइक दैट, तो हमने यहां पर किया 5। नेक्स्ट इज 10, 15, नेक्स्ट इज 20, नेक्स्ट 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50, है ना, तो 50 से ज्यादा कुछ भी नहीं है, तो हमने 50 तक ले लिया ना। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, सेक्टर्स, तो वी विल राइट सेक्टर्स हियर। ठीक है, और एरो लगा देंगे, और यहां पर हम क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट, तो वी विल राइट इन्वेस्टमेंट। तो हमने लिख दिया इन्वेस्टमेंट, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपका कैसे है, इन 10 करोड़ ऑफ रुपीस, तो ये भी आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, इन 10 करोड़ ऑफ रुपीस। ठीक है ना, और स्केलिंग हमने क्या की है, स्केलिंग हमने क्या की है, देखो 1 यूनिट इज इक्वल टू 5, 50 करोड़ है ना, 5 × 10 करोड़, तो हमारा हो जाएगा 1 यूनिट, दैट इज वाई एक्सिस में 1 यूनिट इज इक्वल टू वी कैन से 50 करोड़। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्केलिंग भी करनी है ना। अब देखो हम बार ग्राफ बनाएंगे, तो बार ग्राफ आपका कैसे आएगा, फर्स्ट इज 45, तो फर्स्ट वाला हमारा 45 है, 45 इज हियर, तो यहां से हम बनाएंगे बार। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट वन, सेकंड देखो कितना है 11, तो 10 इज योर जस्ट उसके ऊपर यहां पर, तो दिस इज योर 11।
नेक्स्ट कम्स योर 23, तो कहां पर है आपका 23 ईयर। तो ये आपका यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट कम्स योर 18, 18 कहां पर है, 15 एंड 20 के पास में, हाफ ईयर थोड़ा सा ऊपर। तो दिस इज योर 18। ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर 46, 46 यानी 45 के जस्ट ऊपर यहां पर। ठीक है, तो आपका ग्राफ विल कम यहां पर, ये आपका क्या है, ब्रिक ग्राफ, ब्रिक यानी ईंट। तो लाइक दैट वी विल मेक। नेक्स्ट कम्स योर 11, सॉरी हमारा क्या था यहां पर, 11 था, फिर से 11 आ गया। तो 11 हमारा कहां पर है, देखो यहां पर ये वाले सीट में। तो ये वाला, तो लाइक दिस आपको बनाना है। ठीक है,